जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने 9 महीने बाद भारतीय टीम की तरफ से खेला और ठोक डाले 131 रन। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे इसी खिलाड़ी के बारे में, तो ऐसे में आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी भारतीय टीम को सबसे खतरनाक टीम मानते हैं पूरी दुनिया की, तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आपको क्रिकेट की तमाम जानकारियों का अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं पूरी खबर की। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड कप समाप्त हुआ और वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड से करारी हार मिली थी, जिसके कारण भारतीय टीम का सपना टूट गया था वर्ल्ड कप जीतने का। लेकिन दोस्तों ऐसे में अगर हम लोग बात करें कि आज के दौर में भारतीय क्रिकेट टीम के पास ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे में आईपीएल जैसी लीग के अलावा भारतीय क्रिकेट टीम में अंडर-19 और भारत की ए टीम खेलने वाले बेहतरीन खिलाड़ी कई बार टीम इंडिया का हिस्सा बन चुके हैं। तो दोस्तों ऐसे में आज हम आप लोगों को एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपना आखिरी वनडे मुकाबला 25 सितंबर 2018 में खेला था, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद वो टीम से बाहर ही रहा था, लेकिन अब उसे जब टीम में जगह मिली तो उसने ताबड़तोड़ पारी खेली है। जी हां दोस्तों, जिस खिलाड़ी की हम लोग बात कर रहे हैं वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि मनीष पांडे हैं। जी हां दोस्तों, मनीष पांडे ने 9 महीने बाद एक बार फिर से ताबड़तोड़ पारी खेलकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। हम आप लोग को बता दें कि मनीष पांडे फिलहाल इंडिया ए टीम की तरफ से वेस्टइंडीज दौरे पर हैं। वहां पर उन्होंने बहुत ही जबरदस्त पारी खेली है और वहीं दोस्तों मनीष पांडे वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने पहले मुकाबले में कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए खास, लेकिन दोस्तों दूसरे और तीसरे मुकाबले ने तो समझो उन्होंने तोड़ ही दिया। उन्होंने दूसरे और तीसरे मुकाबले में 131 रन बना डाले। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहां पे स्कोर कार्ड में भी देख पा रहे होंगे। और वहीं श्रेयस अय्यर ने भी इंडिया ए की तरफ से बेहतरीन पारी खेलते हुए 26 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली है। तो दोस्तों ऐसे में ये जो खिलाड़ी था वो मनीष पांडे ही थे जिन्होंने काफी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है इंडिया ए की तरफ से। तो दोस्तों ऐसे में आप लोगों का क्या मानना है, क्या मनीष पांडे को टीम इंडिया में एक बार फिर से एंट्री मिलनी चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हमें उम्मीद है कि यहाँ पे दिखाई गई ये जानकारी जरूर आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। मिलेंगे अगली एक ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।